इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से वाटर टैंक रोबोट का ये समरसेबल वाला मॉडल इसमें इंस्टॉल किया जाएगा। तो कुछ स्टार्टर आपका इस तरह का अगर जो है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे ये लगाया जाए पूरा। यह है डिवाइस हमारा जो कि समरसेबल के लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। ये फुली ऑटोमेटिक डिवाइस है तो कनेक्शन कुछ इसमें इस तरह का है। ये टर्मिनल हरा वाला जो है इसमें कनेक्शन सारा होगा। तो इससे पहले फर्स्ट ऑफ इसे दीवार में माउंट कर लेंगे और ये डायग्राम है कि कैसे कैसे लगाया जाता है। इससे पहले दीवार में माउंट कर लेंगे, आप इसे दो नट के सहारे माउंट कर सकते हैं दीवार में कुछ इस तरह से। बिल्कुल। और ये अपना फर्स्ट वाला जो पिन है बाईं ओर से, ये 220 वोल्ट सप्लाई के लिए है तो इसमें हम अभी 220 वोल्ट सप्लाई देने वाले हैं। इसमें सारा चीज़ इसके ऊपर ही पॉइंट के ऊपर ही जस्ट लिखा हुआ है कि कौन सा कनेक्शन किधर होगा। इसमें हम मिनिमम 1 mm का वायर यूज करें तो काफ़ी बेहतर होगा और हमें फ्यूचर में कोई शिकायत भी नहीं होगा। तो ये हमारा वायर जुट गया है, इसमें छोटा सा वायर जोड़ा गया है। ये हम तार को चाहे तो बोर्ड में भी डाल सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम बोर्ड में ना डाल के ये हम तार डायरेक्ट जो स्टार्टर में मेन लाइन्स आया हुआ है उसमें ही हम इसका कनेक्शन कर देंगे। इसे लूज करके इसे बढ़िया से टाइट करके इसमें फिर से वापस हमें डाल देना है। अगर आपका स्टार्टर कुछ डिफरेंट मॉडल का है तो आप कस्टमर केयर में संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो इसके अलावा जो आपका जिस तरह का मॉडल है उस तरह का वीडियो आप खोज के इसे इंस्टॉल कर सकते हैं देख के। तो हमारा ये फेज का न्यूट्रल जो दोनों वायर है वो हम जो स्टार्टर के पीएन में था उसमें हम लगा दिए हैं कुछ इस तरीके से। ये बड़ा ही आसान है कनेक्शन करना। अब हमारा ये कनेक्शन करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। बिल्कुल। अब हम ये कनेक्शन अपना स्टार्टिंग जो होता है स्टार्टर का स्टार्टिंग हरा वाला जो स्विच होता है उसमें कनेक्शन करेंगे, जिसके लिए हम दो वायर लिए हैं। ये वायर भी 1 mm का मिनिमम होना चाहिए तो अच्छी बात है। ये स्टार्टर का हरा वाला स्विच में जाएगा, वन साइड करके जाएगा। स्टार्टर में जो हरा वाला स्विच होता है उसमें टोटल दो साइड होता है। इस वायर को हम स्टार्टर के अंदर ले लेंगे और वायर को थोड़ा सा बड़ा ही रखना है क्योंकि स्टार्टर जब खुलता है तो वायर घिंचता है, तो उस केस में अगर जो छोटा तार दे दिया जाता है तो फिर दिक्कत है। और ये हमारा हरा वाला स्विच है जिससे हम कि मोटर पंप स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए दो हिस्सा होता है, ये बीच में जो है लाइनिंग ये डिफाइंड करता है कि ये एक ऊपर का हिस्सा है और एक नीचे का हिस्सा है। तो हम पहले नीचे वाले हिस्से में करेंगे या फिर ऊपर वाले में, किसी में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो नीचे कर सकते हैं या तो आप चाहे तो ऊपर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप किधर से कनेक्शन कर रहे हैं। तो हम चलिए फर्स्ट वाला साइड जो है वो हम नीचे की ओर करते हैं। बस इसमें जो तार जहाँ लगा हुआ है उसको वहीं रहने देना है, कोई भी आप तार को कुछ नहीं करना है बिल्कुल। और हमारा जो उधर से तार आएगा मैं इसमें लगा देने वाला हूँ, बिल्कुल इजी है लगाना। ये हमारा फर्स्ट साइड का हो गया कनेक्शन और हम तार का टुकड़ा फिर छोटा सा लेंगे। इस डिवाइस को स्टार्टर के बगल में ही लगाना एक बेहतर सुझाव है
क्योंकि दूर करने से ज़्यादा तार का बर्बाद होगा, इसलिए जितना नज़दीक रहेगा उतना ही बेहतर रहेगा। यह हमारा कनेक्शन हो गया है ऑन स्विच सेकेंड साइड में, और हम इसको भी स्टार्टर के अंदर करेंगे और ले जाएंगे स्टार्टर का स्टार्टर स्विच पास। कुछ इस तरह से तार को अंदर कर लेना है, कहीं भी होल हो उसे आप अंदर कर सकते हैं ताकि स्टार्टर लगने में कोई समस्या ना हो। ये अपना अदर साइड पे अपना सेकेंड साइड जो है स्टार्टिंग पॉइंट का, हम उस पर कनेक्शन कर रहे हैं। जो तार जहाँ पे है उसको वहीं रहने देना है, उसको कुछ नहीं करना है, हम बस साइड से ला के उसमें और एक तार का बढ़ोतरी कर दे रहे हैं। कुछ इस तरह से बढ़िया से टाइट कर देना है। कुछ इस तरह से दिखता है लगने के बाद। अब हम करेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग का हो गया है, अब करेंगे हम स्टॉप के लिए। तो स्टॉप के लिए भी तार लाना पड़ेगा टुकड़ा, तो उसके लिए हम डिफरेंट कलर लाए हैं ताकि फाइंड करने में आसान हो कौन तार कहाँ गया है। और इसे भी हम उसी तरह से इसमें कनेक्शन करके और ले जाएंगे स्टार्टर के अंदर। और इसका कनेक्शन हमारा ऑफ वाला स्विच जो है, जो स्टार्टर में ऑफ स्विच है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टर में जो ऑफ स्विच है उसके सीरीज में लगेगा। जी हाँ, इसमें दो पॉइंट होता है, आप कोई भी पॉइंट खोल सकते हैं, आप चाहे तो पीला वाला या फिर लाल वाला कोई भी पॉइंट खोल सकते हैं। तो चलिए साइड का पॉइंट है, मैं ये खोल रहा हूँ, इजीली हो जाएगा। और ये पॉइंट खोल के इसमें सीरीज में कनेक्शन होगा बिल्कुल। इसमें एक तार हमारा जो तार खुला उसमें जाएगा और सेकेंड तार जो है वो अपना जहाँ फिनट खुला हुआ था वो उसमें जाएगा। तो इसमें सीरीज में कनेक्शन होगा, ये ध्यान रखें कुछ इस तरीके से। और ये हमारा जो तार को हमने एक किया है, इसे हम टेपिंग कर लेंगे ताकि ये बॉडी में जाके कुछ शॉर्ट वॉर्ट ना क्रिएट करें। इसे बढ़िया से टेपिंग कर देंगे हम, और देखिए कुछ इस तरह से हमारा दिखता है लगने के बाद। ये हमारा स्टार्टर में जो वायरिंग होना था वो सारा कंप्लीट हो गया है। ये जो टेप है हमारा, इसमें काला वाला टेप मार देंगे बढ़िया से। तो हम देखेंगे कुछ इस तरह से हमारा सारा कनेक्शन हुआ है। ये जो हरा वाला स्विच है उसमें एक तरफ और एक तरफ दोनों तरफ हुआ है कनेक्शन। अगर कोई कन्फ्यूजन हो लगाने में तो कस्टमर केयर का नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, इसमें आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। तो हमारा स्टार्टिंग स्टार्टर में जो भी काम है वो सारा कंप्लीट हो गया है, अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब जो भी कनेक्शन होगा वो टैंक में कनेक्शन होगा बस। और ये अपना तीन वायर टैंक में जाएगा, जो कि इसमें डायग्राम बना हुआ है किस तरह से जाएगा। तो चलिए फटाफट अब टंकी में तीन तार खींचते हैं। ये जो पॉइंट है इस पर तीन तार लगेगा, और मैं कहूँगा कि आप तीनों तार तीन कलर का लीजिएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा तार कहाँ पर लगेगा। मैंने यहाँ पर रेड, ब्लैक
और येल्लो पीला तीन तार लिया हूँ, जो कि रेड तार जो है टंकी का सबसे नीचे में जाएगा और येल्लो तार जाएगा टंकी के बीच में, जो कि इस जिसके नीचे पानी आते ही आपका मोटर स्टार्ट हो जाएगा, और ब्लैक तार सबसे ऊपर जाएगा जिसमें पानी टच करते ही मोटर ऑफ हो जाएगा। अभी हम ये स्विच ऑन करने वाले हैं, ये हमारा अभी स्टार्टर में लाइन आ गया है, हम देखेंगे कि मेरा MCV जो है ये ऑन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इधर मशीन के पास, तो मशीन मेरा अभी ये ऑफ मोड में है, तो ऑफ मोड में है तो कोई पावर भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको जैसे मशीन आपका ऑफ मोड में है फिर भी आपको पानी चाहिए, तो ये जो स्विच है इसमें ऑटो लिखा हुआ है नीचे और ऊपर बाईपास लिखा हुआ है, तो आप इसको ऊपर करने पे क्या होगा कि आपका जो जैसे नॉर्मल होता है स्टार्ट, जैसे पहले आपका काम करता है स्टार्टर, उस तरह से आप इसे वर्क करवा सकते हैं। देखिए हम इसे टिपेंगे तो खट करके आवाज़ आएगा और हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए खट करके आवाज़ आया, हमारा मोटर चालू हो गया, देख सकते हैं इंडिकेटर ये ब्लिंक कर रहा है, और हमें ये लाल से स्टॉप भी हो जाएगा, स्टॉप हो गया, और इसे फिर देखते हैं एक बार चालू करके, चालू हो रहा है और इसे अब बंद हो रहा है। लेकिन जब हम इस स्विच को बाईपास के अलावा ऑटो में कर देंगे तो ये मशीन ऑटोमेटिक वर्क करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है, हम इसे जब ऑन करते हैं तब, अभी देखेंगे हम इसे टिपे हैं, हमारा मोटर स्टार्ट हो गया, लेकिन जब छोड़ते हैं तो मोटर हमारा बंद भी हो गया, ठीक है। तो ये ऑटो में मशीन ये ऑपरेट करेगा स्टार्टर को, लेकिन जब ये ऊपर रहेगा हमारा बाईपास में रहेगा तो हम ये दोनों स्विच का प्रयोग कर सकते हैं पहले के भांति, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे इसको हम ऑटो में करते हैं और ये मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा टैंक खाली है, जो कि ये तीन तार हमारा टंकी में छत पे जो टंकी लगा हुआ है उसमें गया हुआ है, तो ये हम देखते हैं इसे कैसे क्या किया जाएगा। अभी हम अपना मशीन का जो ये पावर करके लिखा हुआ है इस वाले स्विच को नीचे ऑन की ओर करते हैं, तो देखेंगे ये लाइट जो है पावर का और पंप का सब चल जाएगा। देखिए ये हमारा लाइट पंप वाला जो है वो जला हुआ है, मीन्स मतलब हमारा पंप जो है अभी स्टार्ट है, जो कि अभी खट कर के आवाज़ भी आया था और इसमें बीप भी आया था, बीप का मतलब हुआ कि ये मोटर को अभी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इसमें 2 सेकंड का पावर स्टार्ट भी है, तो ये 2 सेकंड को 2 सेकंड के लिए स्टार्टर बटन को प्रेस करके रखता है। अभी हमारा ये ऑटो में है तो ये ऑटोमेटिक वर्क करेगा, जैसा कि देख रहे हैं अभी हमारा मोटर चल रहा है। ये एम्पियर मीटर हमारा अभी इसमें प्रॉब्लम है तो वर्क नहीं कर रहा है, बाकी बात वोल्टेज मीटर वर्क कर रहा है, लेकिन ये जो मोटर चलने का इंडिकेटर है ये लाल वाला ये वर्किंग है, तो इससे हम सेंस करेंगे कि हमारा मोटर चल रहा है। तो हम दिखाते हैं आपको कि टैंक भरने पर क्या होता है। तो अभी देखिए आप पानी भरने को है, अभी देखिए हमारा ये टैंक अभी फुल हो गया, तो ये टैंक फुल करके है ये इंडिकेटर चालू हो गया और हमारा पंप जो है ये अभी ऑफ हो गया, जैसा कि खट करके आवाज़ भी आया था, और हमारा ये लाइट जो है ये भी ऑफ हो गया, मिस मतलब हमारा ये पंप अभी ऑफ हो गया। अब हम देखते हैं कि इस केस में क्या होगा, ये हमारा अभी टैंक फुल है, ठीक है, और ये जो स्विच है ये आपका चालू है और आपका ये जो स्विच है ये अभी ऑटो मोड में है, मतलब टैंक जब खाली होगा तब करके अभी मतलब ये स्टार्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ये वाला स्टार्टर है, इसे हम अभी दबाते हैं तो देखिएगा ये लाल बल्ब जलता है या फिर नहीं जलता है, मतलब मोटर चालू होता है या फिर नहीं होता। अब इसको हम प्रेस करते हैं फिर, लेकिन जब छोड़ेंगे तो फिर हमारा मोटर ऑफ हो गया, मतलब ये स्विच अभी ऑटो मोड में है, इसीलिए हमारा इस तरह से हो रहा है। इसको अगर जो अभी टंकी फुल है हमारा, लेकिन हमको फिर भी पानी चाहिए, अभी लेना हमको है, ज़रूरत है पानी का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पावर वाला बटन है इसको ऑफ कर देंगे, तो ये डिवाइस जो है ये कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगा। अब इससे कोई मतलब इसमें पावर कोई भी सप्लाई नहीं जा रहा है, और ये सेकेंड वाला बाईपास का जो है ये ऑटो में करके है, मोड वाला जो फंक्शन है स्विच जो है सेकेंड वाला, इसको हम बाईपास में कर देंगे, ऊपर की ओर कर देंगे, मतलब ये अब बाईपास हो गया है, ये जो हमारा जो स्टार्टर है अब ये बाईपास हो गया है, अब ये इस मशीन से इसका कोई मतलब नहीं है, जैसे नॉर्मल वर्क पहले करा था अब इसे हम नॉर्मल के रूप में ले सकते हैं। तो ये स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं, देखिए अब ये बंद नहीं हो रहा है, ये मोटर हमारा कंटिन्यू चालू है, अब जब हम इसको जाके बंद करेंगे तब जाके बंद होगा,
तो कुछ इस तरह से हमारा फंक्शन था, तो देख सकते हैं ये हमारा तीन तार है। हम ऊपर छत टंकी पर भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो तीन तार है इसका कनेक्शन हम किस तरह से किए हुए हैं सेंसर में। तो चलिए हम छत पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जो कि हमारा ब्लैक वाला है सबसे ऊपर रहेगा और रेड वाला सबसे नीचे रहेगा और बीच में हमारा पीला वाला रहेगा। और जो मशीन में भी इसी तीन रंग का तार दिया गया है तो वही सीक्वेंस में लाल लाल में, काला काला में और पीला पीला में जाएगा। तो बस हम टैंक के अंदर डाल दिए तार कुछ इस तरह से। आपको शायद आइडिया ना लग पाए लेकिन आप बाहर में जिस तरह से दिया हुआ था उस तरह से ही टैंक में जाएगा।